नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज, सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर आते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। हरेला सप्ताह के अंतर्गत भाजपा नगर मंडल ने गंगानाथ मंदिर में किया वृक्षारोपण। संदिग्ध वाहन से पुलिस ने बरामद की 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चमोली हादसे को लेकर जताया रोष। पीड़ित परिवारों के लिए की 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग। चोरी की 14 बाइकों के साथ 5 गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ समीक्षा बैठक का आयोजन। घर में घुसकर वृद्धा पर हमला करने वाली नकाबपोश महिला गिरफ्तार। 105 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। डीडी चौक पर एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। काबीना मंत्री धन सिंह रावत ने की चमोली की स्थिति की समीक्षा। सीएम धामी पहुंचे चमोली मुख्यालय गोपेश्वर। अब खबरें विस्तार से। हरेला सप्ताह के अंतर्गत भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारियों ने गंगानाथ मंदिर में पौधारोपण किया। इस दौरान आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए सांसद अजय टमटा ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, गोविंद सिंह पिलखवाल, जिला महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट, नगर उपाध्यक्ष कैलाश गुर्रानी समेत दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी व एसओजी एएनटीएफ प्रभारियों को जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों व शराब पिलाने एवं बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत एसएसपी अल्मोड़ा के नेतृत्व में सोमेश्वर पुलिस द्वारा शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। आपको बता दें, इस दौरान संदिग्ध वाहन से 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बुधवार को उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में आज प्रदेश सरकार और सीएम धामी का पुतला फूंका। सर्वप्रथम शोक सभा का आयोजन कर हादसे में मारे गए निर्दोषों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंक आक्रोश व्यक्त किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चमोली में गोपेश्वर में नमामि गंगे परियोजना जो राज्य सरकार के द्वारा चल रहा है, वहाँ पे निर्माण हो रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से करंट लगने से 15 लोगों की मौत हुई है, तो इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम यहाँ पर सरकार के विरोध में आए हैं और हम सरकार की व्यवस्था का पुतला दहन कर रहे हैं। हम सुरक्षा करने के लिए सरकार है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। जिस तरीके से इसे हम लापरवाही भी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये जानते बूझते कि इस तरह की कमी से कोई मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। एक युवक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पूरा गांव, सारा पूरे क्षेत्र के लोग वहां पर आ जाते हैं, उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेतता है, वो इंतजार कर रहा होता है, वहां से पावर खुलती है और 15 लोग उसमें गुजर जाते हैं और अभी 10-15 लोग घायल हैं और ये संख्या भी बढ़ सकती है। सरकार का पुतला है नमी गंगे प्रोजेक्ट के तहत, जो हमारे वहाँ पर जितने भी लोग के करंट से दुर्घटना हुई है जिसमें कि 16 लोग की मृत्यु हुई है, तो चक्कर में कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट था, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कुछ अनदेखी रही जिसके कारण ये हादसा हुआ। इस हादसे में जो लोग ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके लिए क्या कहते हैं, एक जांच बैठाई जाए कि आखिर घटना किस क्रम कैसे हुई। इतनी बड़ी घटना हो गई कि उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और काफ़ी लोग, मतलब उसमें भी कितने लोग तो वहाँ पर हताहत होकर हॉस्पिटलाइज है। तो हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं चूक हुई है गवर्नमेंट से कि गंगे में इतना बड़ा हादसा हो गया और वो कहाँ किस चीज में चूक रही। रुद्रपुर में चोरी के मामले में खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर गोड़के के द्वारा रुद्रपुर स्थित सीओ सिटी ऑफिस में बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस टीम का गठन करते हुए बाइक चोरी के मामले में खुलासे के निर्देश दिए गए। अब कोतवाली पुलिस के द्वारा चोरी की 14 मोटरसाइकिल के साथ 5 आरोपियों को गावा चौक से गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले कुछ दिनों में 15, 16 और 17 तारीख को रुद्रपुर क्षेत्र थाना क्षेत्र में बाइकें चोरी होने की घटनाएं सामने आई थी। इसमें हमने तुरंत मुकदमे भी पंजीकृत किए थे थाना रुद्रपुर में, इनके 3 मुकदमे पंजीकृत थे इन 3 दिनों में। तो इसी क्रम में हम लगातार चेकिंग कर रहे थे, सघन अभियान जारी था और इसमें हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हमने जो है टोटल 4 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार किया, जिनके द्वारा हमने 14 बाइकें इनसे बरामद कर ली है और इन्हीं की निशानदेही पर हमने एक 5वें अभियुक्त जो इन बाइकों को बेचने में इनकी मदद कर रहा था, आगे सप्लाई कर रहा था, तो ये टोटल 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है। शिवम यादव, सचिन पाल, विशाल, सचिन यादव और भगवान बाबू, ये सारे रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं।
और इनसे हमने 14 बाइकें और एक कटर जिसका उपयोग करके ये बाइकें कट कर रहे थे, ये कटर हमने बरामद कर लिया है। तो इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं थाना रुद्रपुर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे जो निरंतर प्रयास है प्रोफेशनल पुलिसिंग के अंतर्गत हम इन प्रयासरत रहते हुए सारी चोरियों की घटनाओं का खुलासा करते रहते हैं। इसी क्रम में हमने आज ये बड़ा खुलासा किया है, मैं पूरी टीम को पुनश्च एक बार बधाई देता हूँ। निर्माण औद्योगिक विकास आयुष एवं आयुष शिक्षा डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हर खेत को पानी, पीएम पोषण मिशन, प्रधानमंत्री कौशल योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना की मूल भावना के अनुरूप कार्य करें, न कि सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शासन की मंशा के अनुरूप सभी जिलों में प्रत्येक माह सचिव लेवल के अधिकारी जा रहे हैं, उसी क्रम में जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, उसको उसकी समीक्षा की गई है। फील्ड भ्रमण भी किया जाएगा अभी, तो यही निर्देश दिया गया कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी मूल भावना है स्कीम की, कि बेनिफिशियरी को कैसे लाभ दिया जा सके, उसके अनुरूप काम किया जाए, सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम न किया जाए। और काफ़ी अच्छा काम इस जनपद में चल रहा है, तो कहीं पर कोई कमी थी तो उस पर निर्देश दिए गए हैं कि उसको पूरा किया जाए और शासन की मंशा के अनुरूप काम किया जाए। घर में घुसकर वृद्धा पर हमला कर घायल करने वाली निकाबपोश महिला को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 11 जुलाई को आवास विकास निवासी दीपक भाटिया ने पुलिस को तहरीर सौंप बताया था कि 11 जुलाई की सुबह एक अज्ञात निकाबपोश महिला घर में घुस गई और अलमारी खोलने लगी। घर पर उस समय उनकी बुजुर्ग माता पूनम भाटिया और 5 वर्षीय बेटा मौजूद था। जब उनकी माता ने महिला से पूछा कि वह कौन है, तो महिला ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे वह घायल हो गई। शोर होने पर आरोपी महिला मौके से फरार हो गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। श्री दीपक भाटिया वादी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। इनके द्वारा बताया गया था कि 11 जुलाई को इनकी माताजी जब घर पे अकेली थी, तो एक अज्ञात महिला द्वारा इनके सर पर चोट मार के इन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, क्योंकि बहुत सीरियस मामला था और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा से जुड़ा था। तो इसे पूर्ण गंभीरता से लेते हुए इन्हें तत्काल टीमों का गठन किया, जिसको इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप और सीओ सिटी लीड कर रहे थे, और इसमें नीमा वोहरा और हमारे बाकी कांस्टेबल इंक्लूडेड थे आवास विकास चौकी से। इसके बाद हम लोगों ने इसमें इसको घटना को वर्कआउट किया और इसमें एक महिला जो है वो प्रकाश में आई, जिसने अपने हस्बैंड और ये जो पीड़िता है इनके पति, ये दोनों एक ही वर्क प्लेस पर काम करते थे और वहाँ पर कुछ इनके एलिगेशंस थे, कुछ आरोप थे, जिनके चलते ये महिला क्षुब्ध थी और उसी वजह से इन्होंने उसको स्कोर सेटल करने के और उसको रंजिशन उस पर हमला किया महिला पे। उस महिला को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में उनके द्वारा जो अपराध में हथियार जो इस्तेमाल हुआ था उसे भी हमने बरामद कर लिया। फुलबट्टा थाना पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उस युवक पर एनडीपीएस के 4 मुकदमे हेड़ी, पुलभट्टा और किचक थाने में पूर्व से दर्ज है। गिरफ्तार किया गया जावेद खान पुत्र अब्दुल कयूम बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ जो हमारा उधम सिंह नगर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है, उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। हाल फिलहाल में हमने काफ़ी कमर्शियल क्वांटिटीज़ भी बरामद की है। इसी क्रम में कल थाना पुलभट्टा क्षेत्र में 19 तारीख को हमने एक अभियुक्त जावेद खान, ये बहेड़ी बरेली का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 105 ग्राम स्मैक हमने बरामद करी है। और ये हमारे पुराने मुकदमे में भी एक वांछित था। इसके अलावा इस पर ऑलरेडी थाना किच्छा, थाना पुलभट्टा, हल्द्वानी और बहेड़ी थाने में इन पे इस पर मुकदमे हैं। तो ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो इस
नशे के कारोबार में संलिप्त है। तो ये थाना पुलबट्टा ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 105 ग्राम स्मैक की जो रिकवरी की है, इसके लिए मैं पूरी थाना पुलबट्टा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और 2,500 रुपये का कैश रिवार्ड भी इनको। चमोली में हुए दर्दनाक हादसे के लिए सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा के आह्वान पर सरकार का पुतला फूंका और मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सीपी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने डीडी चौक पर एकत्रित होकर सर्वप्रथम श्रद्धांजलि देते हुए पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का दिशा निर्देश है कि जिस प्रकार से चमोली में जो हमारे ग्राम प्रधान, गांववासी और वहां के हमारे पुलिसकर्मी और वहां पे जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है उसमें काम करने वाले लोग सरकार की घोर लापरवाही के कारण अपने प्राणों को आहुति दे चुके हैं, जिसमें 16 लोगों की अकाल मृत्यु और कम से कम 20 लोग वहां पर घायल, गंभीर रूप से घायल हैं। उसकी संख्या भी कुछ क्लियर नहीं आ पा रही कि कितनी संख्या में लोग घायल हैं। तो उसके विरोध में कि सरकार जो है जहाँ जहाँ देखो वहाँ पे सरकार की घोर लापरवाही सामने आई है और जिसमें उसको 440 वोल्ट का लाइट कनेक्शन जाना चाहिए था, वहाँ पे 11,000 में कन्वर्ट होकर वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे पूरे जो पुल था, जो स्टील की रेलिंग थी, उनमें करंट फैल गया, जिस कारण से वहाँ के पुलिसकर्मी, वहाँ के सुरक्षाकर्मी, वहाँ के काम करने वाले लोग, वहाँ के ग्राम प्रधान और गांव के लोग उसमें जो है अपने प्राणों को दे चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। बरसात के मौसम में उत्तराखंड के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली जिले की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सभी जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है और वह मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर अपने जिले में कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए बरसात में स्थानीय स्तर पे जिलाधिकारी को जो है नोडल बनाया गया है कि अगर किसी भी जिले में अगर बरसात ज्यादा दिक्कत करती है, आपदा में अगर कोई रास्ते खराब होते हैं तो जिलाधिकारी स्थानीय आधार पे छुट्टी भी करा सकते हैं। और अभी स्टेट के स्तर पे हमने देखा कि मैं चमोली का प्रभारी भी हूँ, तो मैंने कल चमोली की समीक्षा बैठक भी की है, तो वहाँ की सड़कें भी ठीक हैं, वहाँ एक ही पुल जो जुमा का पुल टूटा है, बाकी NH जो है शुरू हो गया। वहाँ पे कल श्रीनगर में भी जो हमारा रुद्रप्रयाग का NH है उसमें भी 3 घंटे तक रोड ब्लॉक रही, लेकिन वो भी खुल गया है, तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पे जैसे उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने 2 दिन की छुट्टियां की हैं, हमारे नैनीताल के जिलाधिकारी ने भी 2 दिन की छुट्टियां की हैं, तो स्थानीय स्तर पे DM और हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी वो निर्णय ले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह चमोली मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीते दिन हुए घटनाक्रम के पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने सभी पीड़ितों का हालचाल जानते हुए वहां मौजूद चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद वह पुलिस लाइन पहुंचे, जहां बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उनसे मुलाकात की और घटना के संदर्भ में बातचीत की। रेंजर्स का
और थोड़ा पीछे पीछे हो जाना है घायल हुए हैं इसी के सेम से रिफर किया गया मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो रही है वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल है किया जा रहा है उनको अपना हाथ उधर करना है इस किया जाएगा मिनिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए घटना की हम लोग तय तक जाएंगे और जो भी मिनिस्ट्रियल जो जाँच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और राज्य सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे से संबंधित चीज़ें हैं अन्य आगे की सुविधाएँ हैं या अन्य इलाज हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं बरती जाएगी। हर संभव इसमें हताहत हुए हैं पारिवारिक जनों और घायल हुए हैं उनके लिए सभी प्रकार की जो भी इलाज के लिए व्यवस्थाएँ हैं अन्य व्यवस्थाएँ हैं वो राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन हम सबके लिए और निश्चित रूप से कोई आक्षेप नहीं है तो सच्चाई है कि नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों की कोई लापरवाही और यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें निर्दोष मजदूर गरीब लोग अपनी जान गवा बैठे हैं। निश्चित रूप से इसके पूर्ण अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में संलिप्त हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।